हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फिर नवाज में। दामा स्टील में जैसे कि अभी बहुत सारे अपडेट्स देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले इसको लेके एक वीडियो बनाया रामा स्टील को लेके हम लोगों ने, और जहां पे डिटेल में समझा कि रामा स्टील के बिजनेस को लेके, रामा स्टील के शेयर में क्या चल रहा है, कंपनी को लेके। अभी यहाँ पे देखेंगे तो रामा स्टील जैसे कि अपर सर्किट लगाया है, एक दिन में देखेंगे तो 10% का अपर सर्किट लगाया है रामा स्टील। एक पेनी शेयर है, इस शेयर में इतना ज्यादा तेजी बनता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी जो फाइनेंशियल ऐसे बहुत सारे माइलस्टोन है जो कंप्लीट किया है। तो अभी रामा स्टील में क्या चल रहा है, रामा स्टील के कंपनी में क्या चल रहा है, कि यह शेयर यहाँ से भी तेजी बना सकता है, इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे दोस्तों। तो रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो पे पूरा बने रहिए, कि तो स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पे नॉइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए सब्सक्राइब आपके लिए फ्री है, हमें बहुत सपोर्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक की बात। रामा स्टील का जो शेयर का प्राइस है, रामा स्टील लिमिटेड, इसका देखते हैं तो 10% का अपर सर्किट लगाया इसने एक दिन में। हाई प्राइस बनाया 15.74 पैसे का, जो इसका प्रीवियस क्लोज प्राइस है 14.31 पैसे का। 52 का हाई प्राइस के आसपास शेयर अभी ट्रेड कर रहे हैं। 52 का जो हाई प्राइस है 17.51 पैसे का, और 52 का जो लो प्राइस है 9.91 पैसे का। देखिए असल में ये शेयर में इतना ज्यादा तेजी बना कुछ दिन में, जहां पे जो इन्वेस्टर्स बोल सकते कि शेयर में जो है बहुत ज्यादा मतलब खरीदारी नहीं किया था, वो भी अभी यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं कि रामा स्टील में क्या अपडेट आया। अभी यहाँ पे रामा स्टील न्यूज को लेके बात करते हो तो ऐसे कुछ अपडेट्स आया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं रामा स्टील जो है अचीव सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल माइलस्टोन। कंपनी को जो है सक्सेसफुली रिड्यूस इट्स टोटल सैंक्शन बैंक लोन लिमिट्स बाई 13.27 करोड़ फॉर इट्स होली ओन्ड सब्सिडरी, जो कि लेपाक्षी करके एक कंपनी है उसका। अभी जो अचीवमेंट बताया जा रहा है, ये डेमोन्स्ट्रेट जो रामा स्टील की कमिटमेंट है टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। तो कंपनी जो यहाँ पे रामा स्टील जो है उसके एक सब्सिडरी कंपनी जो है लेपाक्षी करके, उसका जो बैंक से लोन वोन लिया था उसका 13.27 करोड़ जो है उसने यहाँ पे रिड्यूस किया है, मतलब जो लोन है उससे 13.27 करोड़ उसने दिया है रामा स्टील। तो ये दर्शाता है कि रामा स्टील का जो कमिटमेंट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के प्रति और इसके जो बिजनेस को लेके, वो यहाँ पे दर्शाता है। तो अगर आप देखते हैं तो कंपनी जो यहाँ पे थोड़ा बहुत फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बन रहा है अभी रामा स्टील। लास्ट ईयर को देखेंगे तो कंपनी जो है रिड्यूस किया है ओवरऑल जो सैंक्शन लोन है उसका 64.16%, व्हिच इज सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट। तो कंपनी का देखते रामा स्टील जो कि इसके जो लोन्स वगैरह है, जो बैंक से लोन वगैरह लिया था, वो बहुत ही जल्दी मतलब या फिर बहुत ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं क्लोज करने के लिए। ये जो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, स्ट्रेंथन रामा स्टील का जो फाइनेंशियल पोजीशन है एंड एनहांस्ड शेयर होल्डर्स वैल्यू। तो शेयर होल्डर्स के लिए भी एक बहुत ही बड़ी खबर है, जहां पे कंपनी, जहां अगर आपने शेयर खरीदा है, जिस कंपनी में आपने शेयर खरीदा है, तो उस कंपनी का अगर देखेंगे तो रामा स्टील में अगर आपने शेयर लिया तो रामा स्टील जो उसके जो लोन वगैरह है, उसके सब्सिडरीज के जो लोन वगैरह है वो क्लियर कर रहे हैं, वो शेयर होल्डर्स के लिए भी एक बहुत बड़ी अपडेट है। रामा स्टील जो है यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन किया है इसने जो कि ओनिक्स रिन्यूएबल लिमिटेड के साथ। ये जो है पार्टनरशिप विल फोकस ऑन प्रोवाइडिंग जो स्टील स्ट्रक्चर्स एंड ट्रैकर्स फॉर सोलर प्रोजेक्ट्स। अभी यहाँ पे जो है ये एक बड़ा अपडेट क्यों है रामा स्टील के लिए या फिर रामा स्टील के इन्वेस्टर्स के लिए। देखिए जो सोलर का बिजनेस है, आपने देखा है कि सोलर का डिमांड अभी बढ़ रहा है, तो सोलर का बिजनेस बढ़ रहा है यहाँ पे, गवर्नमेंट भी कोशिश कर रहा है ज्यादा से ज्यादा सोलर को जो है यहाँ पे मतलब सोलर के ऊपर इनिशिएटिव किया जाए या फिर इन्वेस्ट किया जाए। सोलर का जो है प्रोजेक्ट वगैरह है उसके लिए मतलब जो है स्टील स्ट्रक्चर या फिर ट्रैकर्स प्रोवाइड करने के लिए रामा स्टील जो यहाँ पे कोलैबोरेशन किया है ओनिक्स रिन्यूएबल के साथ। ओनिक्स रिन्यूएबल साथ यहाँ पे एक कमिटमेंट किया है, फिर जो है कोलैबोरेशन किया है, जहाँ पे रामा स्टील जो है एक्सपर्टिस इन स्टील फैब्रिकेशन विल बी इंस्ट्रूमेंट इन डिलीवरिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स दैट आर एसेंशियल फॉर सक्सेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव। तो ये जो रिन्यूएबल एनर्जी के इनिशिएटिव लेता है कोई भी कंपनी, जैसे कि सोलर कंपनीज वगैरह है, तो उसको बहुत सारी चीजों की जरूरत लगती है। तो रामा स्टील का इसमें एक बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है स्टील बिजनेस में। ये जो कोलैबोरेशन है रामा स्टील का एंट्री इनटू ग्रीन एनर्जी सेक्टर एंड अलायंस विद कंपनीज कमिटमेंट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप इज एक्सपेक्टेड टू हैव पॉजिटिव इंपैक्ट इन रामा स्टील्स EBITDA एंड फर्दर सोलिडिफाई इट्स पोजिशन इन द रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट। तो यहाँ पे अगर बात को समझते हैं कि रामा स्टील जो है, जैसे कि आप एक कोलाबोरेशन किया, देखने के लिए लगता है कि हाँ चलो इसने कोलाबोरेशन किया रामा स्टील ने, तो अभी यहाँ पे कितना क्या होगा, मतलब नॉर्मली कोलाबोरेशन क्या रहेगा। देखिए सोलर एनर्जी मतलब ग्रीन एनर्जी मार्केट में इसने एंट्री किया अभी रामा स्टील ने,
ये बोल सकते हैं कि एक छोटा मोटा हो सकता है कि एंट्री रहेगा। अभी आगे चल के कंपनी जो है और ज्यादा ऐसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स रामा स्टील को मिल सकता है सोलर एनर्जी का, जो कि रामा स्टील के जो ईबीआईडीटी है उसका जो पोजीशन है, ईबीआईडीटी जो उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता है। रामा स्टील देखते हैं तो होली ओन सब्सिडरी कंपनी रामा डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड, ये जो है बताया जा रहा है कि न्यू सब्सिडरी विल ऑपरेट इन द डिफेंस सेक्टर्स फोकसिंग ऑन ट्रेडिंग इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग एंड जो सप्लाइंग डिफेंस इक्विपमेंट। तो रामा स्टील जो है इसका जो बोल सकते होल्डिंग ओन जो सब्सिडी कंपनी है रामा डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड, तो ये जो है बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी रामा डिफेंस जो है डिफेंस सेक्टर में जो बाकी काम है वो यहाँ पे देखेगा, जो कि फोकसिंग ऑन ट्रेडिंग इम्पोर्टिंग एक्सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग ये सब में काम करेगा। ये इनकॉर्पोरेशन ऑफ रामा डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड अलाइंस विद रामा स्टील स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन प्लान्स एंड डेमोन्स्ट्रेट्स इट्स कमिटमेंट टू डाइवर्सिफाई इट्स बिजनेस ऑपरेशन। तो यहाँ पे बोल सकते कि रामा स्टील का जो एक बहुत बड़ा यहाँ पे खेल है कंपनी का देखते हैं तो यहाँ पे इसका जो बिजनेस है बिजनेस को इसने डाइवर्सिफाई करके रखा है। रामा स्टील डिफेंस में भी इसका बिजनेस है और यहाँ पे जैसे कि स्टील स्ट्रक्चर का इसका बिजनेस है और कंपनी जो है अभी यहाँ पे जो सोलर बिजनेस या फिर ग्रीन एनर्जी का जो बिजनेस है उसमें भी ये अभी इन्वॉल्व हुआ है। तो रामा स्टील का देखते हैं कंपनी का जो मार्केट कैप है रामा स्टील का जो कि 2,300 करोड़ के आसपास है। अभी तक देखेंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट है जो कि 28.3% प्रॉफिट है सीएजीआर ओवर लास्ट 5 ईयर्स। तो कंपनी बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल जो है यहाँ पे अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है रामा स्टील। स्टॉक जो है लगभग 58% का जो है यहाँ पे तेजी बना है 52 के लो प्राइस से। तो 52 का जो लो प्राइस है 9.91 पैसे का, उससे देखते हैं तो स्टॉक का प्राइस 58% रिटर्न दिया है 52 के लो प्राइस से। और यहाँ पे देखेंगे तो मल्टीपल रिटर्न दिया है कंपनी ने जो कि 1,800% रिटर्न दिया है 5 ईयर्स में। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि रामा स्टील के जो यहाँ पे अपडेट्स आया है अभी आप समझ पा रहे होंगे कि कंपनी को लेके इतना ज्यादा क्यों मतलब अभी जो है चर्चा में रामा स्टील इतने सारे अपडेट्स आया, फिर कंपनी जो इसके बिजनेस को स्ट्रॉन्ग कर रहे इसके जो कंपनी के जो पोर्टफोलियो उसको स्ट्रॉन्ग बना रहे इसका फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है वो यहाँ पे कंपनी बना रहा है। अभी जो भी शेयर होल्डर्स है उसने उसको देखना है कि कंपनी यहाँ पे कैसा बिजनेस कर रहा है, कंपनी का फाइनेंशियली कंपनी जो है कैसा है स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे रामा स्टील जैसे कि जैसे आगे चल के हो सकते हैं कंपनी और भी जो इसके लोन वगैरह वो क्लियर करे, तो अभी जो यहाँ पे अपडेट देखने को मिल रहा है कि रामा स्टील जो है इसका सब्सिडियरी इस कंपनी जो है उसका 13.27% के आसपास जो है या फिर उससे ज्यादा इसने जो है लोन क्लियर किया है। पिछले साल देखेंगे तो रामा स्टील इसके बहुत ज्यादा लोन है लिया है बैंक से वो भी उसने क्लियर किया है। तो रामा स्टील यहाँ पे कोशिश कर रहा है ज्यादा से ज्यादा जो इसके लोन है वो क्लियर किया जाए। और यहाँ पे रामा स्टील के जो एक सब्सिडियरी या फिर कंपनी है जो डिफेंस कंपनी है रामा डिफेंस कंपनी उसका देखते हैं तो वो अपने काम पे बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है मतलब इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो मतलब बोल सकते कि ये जो है रामा स्टील का जो बिजनेस है इसको इसने क्या किया है इसने डाइवर्सिफाई करके रखा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टील सेक्टर में ये अटका रहा मतलब स्टील स्टील का बिजनेस करेगा कोई कॉन्ट्रैक्ट आएगा। तो इसने क्या किया इसने सोलर इंडस्ट्री में भी एंट्री ले लिया। अभी ये देखने के लिए मतलब छोटा मोटा हो सकता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट रहे सोलर इंडस्ट्री इसका बिजनेस का, आगे चल के इस कंपनी को इसमें से और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट आ सकता है। इसके लिए रामा स्टील ने एक कोलाबोरेशन भी कर लिया है। अभी इसको रामा स्टील को जैसे कि स्टील सेक्टर्स का बहुत ज्यादा नॉलेज है तो इसका एक फायदा जो है रामा स्टील को आगे चल के हो सकता है बाकी और भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकता है। मल्टीपल जो प्रोडक्ट ऑफरिंग यहाँ पे रामा स्टील का देख सकते हैं इंक्लूड वास्ट वेराइटीज ऑफ फ्री जो बोल सकते कि इसके स्टील के रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पे कंपनी ये करता है। एंड रामा वन ऑफ द लीडिंग ब्रांडेड स्टील प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया जो कि एक इंडिया का लीडिंग स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है विदाउट स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज स्प्रेड अक्रॉस 4 डिफरेंट लोकेशंस। रामा इज कमिटेड टू स्ट्रेंथनिंग इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकबोन। ओवरऑल कंपनी यहाँ पे बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है रामा स्टील। शेयर का प्राइस बहुत ही छोटा है मतलब 15 रुपए के आसपास जो ये शेयर ट्रेड कर रहा है, हमें लगता है कि ये शेयर यहाँ से भी तेजी बना सकता है। यहाँ पे समझना चाहिए जो कंपनी का रामा स्टील का जो 52 का हाई प्राइस है जो कि 17.51 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पे उससे थोड़ा सा नीचे शेयर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे जो है देखेंगे तो शेयर थोड़ा बहुत डाउन हो सकता है जैसे कि अभी जैसे एक दिन में देखने को मिल रहा है कि लगभग 10% के आसपास रामा स्टील के शेयर ने रिटर्न दिया है। तो यहाँ से अगर शेयर गिरता भी है मतलब शेयर का प्राइस अगर डाउन भी होता है तो हमें लगता है कि थोड़ा समय यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। कंपनी को लेके अभी यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है रामा स्टील को लेके ये शेयर जो है हो सकता है कि दोस्तों आगे चल के एक रिटर्न वगैरह दे। आपको कैसा लगता है रामा स्टील का शेयर जरूर हमें कमेंट करके बताइए।
उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल बिना विश के सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। Thank you.